प्रभु शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा पूरा वन ही जल जाएगा। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आज कोई नहीं रोक सकता मुझे, आज इस वन का एक एक तिनका जला डालूंगा। मुझे भूल गए दामनल, मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दूंगा। मैया की नींद में व्यवधान पहुंच रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। कुछ ही समय पहले बुझते हुए चिंगारी से घबरा गया था, अब इतने विशाल दावानल को निगल गया। फिर से गड़बड़ कर दी काना ने, समझाया था कोई लीला मत करना, तुम्हारी समस्या और बढ़ जाएगी। अब क्या करूं दाऊ? जब जब मैं इसे अपने लल्ला के रूप में देखने का प्रयास करती हूँ, मुझे प्रभु दिखते हैं। कैसे कैसे समझाऊं अपने आप को? मैया मुझे पता है आपने कहा था अग्नि के साथ मत खेलना, पर अग्नि फैल रही थी। मुझे कछुआ कछु तो करना ही था मैया। क्यों प्रभु, क्यों छीन रहे हो एक मैया से उसकी ममता? मैं आपकी भक्त अवश्य हूं, पर उसके साथ साथ आपकी मैया भी बने रहना चाहती हूं। आपको एक मैया बनकर दुलारना चाहती हूं, फटकारना चाहती हूं, डांटना चाहती हूं। तो फिर डांटो ना मैया, फटकार लगाओ, मुझे दंड दो। कैसे कान्हा, तुझे देखते ही मुझे अपने भगवान दिखाई देने लगते हैं। मेरे मन में तेरे प्रति भक्ति के भाव जाग रहे हैं। मैया ऐसा मत ही करो ना, देखो मैं वो ही कान्हा हूँ जिसे आप ग्लोरी सुना के सुलाती थी, वो ही कान्हा हूँ जिसे अपने हाथों से माखन खिलाती थी। मैं वही कान्हा हूँ मैया जो भूल करता था तो आपकी दंड भी खाता था और आपसे दंड भी पाता था। मैया एक बार मेरी ओर देखो तो सही, मैं वही कान्हा हूँ जो आपकी पूछ बनके पूरे वृंदावन में घूमता था, जैसे चलना बोलना सब सिखाया आपने। पहले मेरा सत्य जाने बिना आप मुझे अपने लल्ला की तरह व्यवहार करती थी, अब मेरा सत्य जानने के बाद भी अपने लल्ला की तरह ही मुझे अपनाना होगा, क्योंकि मैं तो वही हूँ आपका कान्हा। प्यार करते हो तुम मुझसे,
जब मैं तेरे भीतर भगवान का रूप देखती हूँ तो मैं भयभीत हो जाती हूँ कान्हा, ये सोच के कि तू मुझे छोड़ के तो ना चला जाएगा। कहीं गया भी तो सदैव आपकी हृदय में ही रहूंगा, वही तो है मेरा असली निवास। लल्ला शीघ्रता कर, घर पहुंच कर झाड़ बुहारी भी करनी है। का होगा ये सब, हैर क्यों गए? ये सब क्या होगा? कल ही तो हम इस क्षेत्र की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे ना, और आज कछु बचो है तो बस चिंगारियां, भस्म का ढेर और विनाश का दृश्य। चिंता क्यों करती हो भाभी? जिसने इस वन को, हम सबको जलने से बचाए हुए, वही इसे फिर से हरा भरा कर देगो। नंदराज, इस समय घर जाना सुरक्षित होगो? पूरा मार्ग जल गयो है। इन सुलगती चिंगरियों का ताप किसी बालक या वृद्ध के पांव में लग गयो तो? चिंता की कोई बात नहीं है बाबा, हम सब महर्षि गर्ग के आश्रम में जा सकते हैं, वहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी, वो यहाँ से अधिक दूर भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको इसी गर्ग के आश्रम जाना चाहिए, वहां चलकर कुछ समय उनकी सेवा करेंगे और जैसे ही अग्नि शांत हो जाएगी और वृंदावन जाने को मार्ग सुरक्षित हो जाएगा, हम सब वापस लौट चलेंगे। अच्छा विचार है। वही महर्षि गर्ग जिन्होंने मेरा नामकरण करा था। Thank you.
आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण, वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण, वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण। प्रणाम रिसीवर। रिसीवर, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? महर्षि को संभालो काना, नहीं तो ये साक्षात प्रणाम कर देंगे तुम्हें। और तब छोटी बा को तुम्हारे भगवान होने की स्मृति फिर से आ जाएगी। भक्तों को भगवान के दर्शन मिलते हैं, मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए। भगवान ने बस आपका शिष्य और ऋषिवर स्मरण रखी है। भगवान अपने भक्त के घर नहीं आए। आज एक पुत्र अपनी मैया के साथ एक महर्षि के आश्रम आया है। देखो तू इसे, ऐसे हृदय से लग रो है जैसे कितने अच्छे से जानता हूँ। जानता हूँ मैया, बाबा ने कितनी बार बताया हो इनके बारे में कि कैसे मेरा नामकरण करा था, इसलिए तो इतने विशेष है ये मेरे लिए। अच्छा ही है कि यशोदा जी भूल रही है कि इसका लल्ला स्वयं श्री नारायण का अवतार है। आप सभी का यहाँ आना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप आए हैं अपनी इच्छा से, परंतु मेरी इच्छा के बिना जा नहीं पाएंगे। आपके साथ समय बिताने आए महर्षि, इतनी शीघ्र यहाँ से जाएंगे भी ना? लगता है काना के मस्तिष्क में कोई योजना है, कोई फिर से कोई लीला तो नहीं करने वाला ये। दाऊ को नहीं बताओगे? कौन सी बात दाऊ? एक्चुअली क्यों तुम कोई विशेष योजना बना रहे हो क्या? मैं कोई विशेष योजना कभी नहीं बताता दाऊ, जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। वैसे दाऊ योजना बनाओ भी क्यों, आज कुछ विशेष थोड़ी ना है। तो मेरा जन्मदिन इसके लिए विशेष अवसर नहीं है, या फिर इसे स्मरण ही नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है? ओहो काना, कितनी दूर फेंक दी, अब जाके लेके आनी पड़ेगी। बलराम, वहां खड़े क्या हो? आओ
गिल्ली लेके आते हैं। चलो भी। अब मेरी बारी है। नहीं नहीं, अब मैं खेलूंगा। क्या हुआ दाऊ, क्या देख रहे हो? ऐसा लगा कि जैसे कोई था यहाँ। वरना दाऊ कोई ना कोई तो जीव जंतु होगा ही। छोड़ो ना, अब आपकी बारी। मारो गिल्ली बल लगा के। हाँ हाँ, बलराम को खेलने दो, अभी अभी आया है ना। यही हत्या की थी ना उसने मेरे भाई बकासुर की, और वो सारे बालक बड़े चाव से देख रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे उस मायावी की। मेरी बहन पूतना के हाथों से तो बच गए, किंतु अब मेरे क्रोध से, मेरे भीतर दहकती प्रतिशोध की अग्नि से, अब ना तो वो बालक बचेंगे और ना ही वो विष्णु अवतार। और भूलना मत, महाराज ने क्या कहा था, सीधे सीधे उस मायावी का सामना नहीं करना है तुम्हें, वो बालक बहुत चतुर है। पर है तो एक बालक ही, और एक नन्हा सा बालक क्या हानि पहुंचाएगा मुझ जैसे महाविशाल महाशक्तिशाली अघासुर को। पता नहीं तेरी मैया क्या क्या सोच रही होगी, विवाह के समय एक दूसरे को वचन दिया था कभी भी एक दूसरे से कछु ना छुपाएंगे, पर मैंने कितने वर्षों तक तेरे दिव्य होने की बात उससे छुपाई। तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं, फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया? क्या ठीक है? कछु ठीक ना है, बहुत कठिन है, पर मैं प्रयास कर रही हूं कि स्वयं को समझा पाऊं कि मेरा लल्ला मेरे प्रभु श्रीहरि का अवतार है। जा रहा है बिना बताए? पूरे संसार के लिए तू दिव्य होगो, मेरे लिए तू केवल मेरा लल्ला है, समझ आई? अब आके कछु खा ले। आ ले खा। पहले आप खाओ मैया। तू खा पहले, मैंने कही ना तू अब भी मेरा लल्ला ही है जो कल रात से भूखा है,
इसीलिए अब चुपचाप खा और जय मत ही सोचियो कि मैया को सत्य का पता चल गया है तो कछु कहेगी ना। तेरी मैया हूं काना, कस के डांटूंगी और आवश्यकता पड़ी ना तो डांटूंगी भी और दंड भी दूंगी। और फिर भी बात ना मानी तो स्मरण है ना ओखल, चिते यहां भी है। आपकी डांट फटकार और दंड में फूलों से भी अधिक मिठास है भैया। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। मुझे छोटी सी अनुमति चाहिए। फिर से बन जाना है, फिर से कोई लीला करनी है क्या? हाँ वो बस बस, अधिक बहाने बनाने की आवश्यकता ना है। ठीक है चला जा, पर वन के अधिक भीतर ना जाना, समझ आई? चलो मिल गई अनुमति। राहुल आप ना चलोगे हमारे साथ खेलने? नहीं तुम जाओ, मुझे पौधा लगाना है। पर क्यों दाऊ? क्योंकि माँ ने कहा है आज मेरा, कहा है कि पौधे लगाने से फल मिलते हैं। पर पौधा तो लगो, फल लाए। इतने शीघ्र फल नहीं आते खाना, कम से कम एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो एक वर्ष के बाद इसी पौधे के नीचे बैठ के फल खाएंगे। आज के विशेष दिन को स्मरण रखना सकाओ। सब स्मरण रखना, बस अपने दाऊ का जन्मदिन ही भूल जाना तुम। वैसे आज के दिन की एक और विशेष बात है, आज माँ को बनाने की आवश्यकता भी ना पड़ी, उसके बिना ही वन जाने की अनुमति मिल गई। जय हुई ना बात। अब चलो। बलराम कहाँ थे तुम? अच्छा तुम्हें पता है, महर्षि गर्ग ने मेरी विनती स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जन्मदिन के विशेष अवसर पर तुम्हारे लिए विशेष पूजा करेंगे वो। जो किसी को स्मरण ही ना रहे वो कैसा विशेष अवसर? क्या हुआ, किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी? सखा बोले तो कोई बात नहीं, पर छोटा भाई भूल गया माँ। क्या, ये कैसे संभव है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ, पूरे संसार की हर छोटी से छोटी बात जिसे ध्यान रहती है वो अपने बड़े भाई का जन्मदिन कैसे भूल सकता है। सुनो सुनो सुनो, ये तो अच्छा करो कि तुम सबने से किसी ने भी दाऊ को पता ना चलने दिया कि उनका जन्मदिन हमें स्मरण है, पर अब हमें उनके लिए कुछ ढूंढना होगा। हाँ, हम सबकी ओर से कोई ना कोई विशेष उपहार। तो फिर गोवंश का ध्यान कौन रखेगा? और कौन? तुम। गैया मैया की तो समस्या ना है, पर जब बछड़े मेरे वश में ना आते इन्हें तो कहना ही संभालेगो। अच्छा ठीक है, पर तुम सब जाओ और कुछ अनोखा ढूंढ कर लाओ। गए सब, अब इनकी अनुपस्थिति में शांति से अखासुर का अभिमान भंग करूंगा। इसे क्या लगता है, ये मुझे अपने जाल में फंसा लेगा? इसके मित्रों को मृत्यु के जाल में ऐसे फंसाऊंगा मैं कि ये रक्षा की
भिक्षा मांगेगा मुझसे। क्या ले चलू बलराम के लिए? जो हो बहुत विशेष। जेफल उसे बहुत प्रिय है। पत्थर के रत्न भयभीत मत हो वसंता, ये तो केवल एक कंदरा है। अजगर हो तो ऐसे मुंह खोल के थोड़ी ना बैठे रहते हो। और नहीं तो क्या, पर एक बात तो है, आज तो कैसा कछुआ देखो, अद्भुत। चलो भीतर चल के देखते हैं, क्या पता बलराम के लिए कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत मिल जाए। जो कंदरा बाहर से इतनी सुंदर लग रही है, उसके भीतर कछु ना कछु सुंदर मिलेगो ही। तो सच्ची में अजगर हुआ तो कहना है ना, बच्चा के बाहर निकाल देंगो, जैसे स्वयं बकासुर के देह से बाहर आया था। जे अजगर ये अभी अभी आके खोली इसने। अरे वसंता, तुझे तो हर बात में कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, इसे छोड़कर हम सब भीतर चलते हैं। चलो चलो। अरे मुझे अकेला सुन के कहाँ जा रहे हो? बहुत देर हो गई मुझे अकेला देखकर भी। आगासुर ने अभी तक आक्रमण नहीं किया। इसने तो उल्टी चाल चल ली। मुझे आकार करने के स्थान पर मेरे सखाओं को ही अपना आहार बना लिया। उसके सखाओं को आहार बना लिया है मैंने, अब उस विष्णु अवतार को इनकी रक्षा करने आना ही पड़ेगा, और तब मैं उसके प्राण लेकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, किसके लिए पका रही हो? कान्हा और उसके सखाओं के लिए। अभी तक जैसे वापस ना आए हैं, अब मैं ही जाऊंगी, जाके दे आऊंगी। उन्हें भूख लगी आई होगी ना। यशोदा, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए मुझसे क्रोधित हो ना? ना, आपके स्थान पे मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती, और भगवान की इच्छा से बड़ा तो आप कछु ना होता है। पर अब मुझे जाना होगा, जिस सारे बालकों ने रात से केवल फल खाया हुआ है। गाधा, गाधा, गाधा।
ध्वनि गूंज रही है, ये कंदरा ही है। चलो और भीतर चल के देखते हैं। इन बालकों ने मेरा कार्य सरल कर दिया, स्वयं ही कृष्ण को खींचकर मुझ तक ले आए। कहाँ गए ये सब, दिखाई नहीं दे रहे। ये यहाँ खड़ा क्यों है? भीतर आ बालक, ताकि तुझे और तेरे सखाओं को एक साथ बचा लूं मैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या हो रहा है मुझे? कैसी माया है ये? नारायण नारायण। मैंने इतने पाप किए हैं प्रभु, फिर भी आपने स्वयं मुझे मुक्ति प्रदान की, ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों मिला प्रभु? ये तो होना ही था गासुर, यही था विधि का विधान। पूर्व जन्म में तुम राक्षस संघ चुन के पुत्र थे, युवा थे, बात बलवान और कामदेव के समान आकर्षण होने के कारण बहुत गर्व हो गया था। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी और बलशाली ऋषि उसी नदी में स्नान कर रहे थे, जिसके स्वच्छ जल में स्नान करके तुम अपनी कांति को और भी अधिक बढ़ाने आए थे। ये क्या देख लिया मैंने, भला कोई इतना वक्र भी हो सकता है? एक रूप वृद्ध, इसी क्षण मेरी दृष्टि से दूर हो जा। किसी भयानक श्राप की भांति कहीं तेरी इस देह की छाया मेरे सुंदर स्वरूप पर ना पड़ जाए। भाग जा यहां से। अभी भान में आकर तुमने ऋषि अक्षावर का उपहास उड़ाया, उन्हें तुम्हारे स्वभाव पर
बहुत क्रोध आया और इसीलिए तुम्हें विनय का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। तुझे अपने अभिमान का पश्चाताप न हुआ तो इस ऋषि का तपोबल व्यर्थ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ मूर्ख। तू इसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे क्रूर सर्प बन जाएगा, क्रूर सर्प बन जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी त्वचा? क्षमा ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया ऋषिवर। मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं मैं, किंतु अब मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है ऋषिवर। पश्चाताप की अग्नि में चल रहा हूं मैं। आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा किया आघासुर, पर मैं चाह कर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर तुम्हें वरदान अवश्य दे सकता हूं। तुम्हें अपने श्राप युक्त जीवन से मुक्ति स्वयं श्री विष्णु के कर कमलों से मिलेगी। विष्णु के कर कमलों से मिलेगी। आज मैंने उनके मां ऋषि के श्री वरदान को पूरा किया है। अब तुम भौसाक के चक्र से मुक्त हो जाओगे।